अरे सरदार जी कुछ खिलाए दो। ये क्या कर रही हो तुम, शर्म नहीं आती? अरे सरदार जी शर्म कैसी, ये तब तो ना ही जब आनी चाहिए थी, अब क्या आएगी। धंधा है हमारा, रोजी रोटी है हमारी, अब तो यही है जो है। छोड़ क्यों नहीं देती है इस धंधे को, कुछ और कर ले। अच्छी भली तो सेहत है तुम्हारी, कोई मेहनत वाला काम, ये भी कोई काम है। ओ सरदार जी हर किसी के बस का नहीं होता, हमारे काम में भी ना बहुत मेहनत लगती है, तो मांग सकते हो ऐसे खड़े होके भी, बताओ। चल उधर आ, उधर चल, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं आ रहा हूँ बाहर। देख लगती तो तू सियानी है, पर तुम्हारा काम सियानों वाला नहीं। खैर चल तू मुझे ये बता कि ये धंधा छोड़ने के लिए तुझे क्या चाहिए। अरे हम का है अपना धंधा छोड़े, हैं? कर्म है हमारा, अधिकार है हमारा, और अब तो वैसे भी हम भी किसी पे अधिकार जमाएं ऐसा भी कोई आने को है, इसको भी हम भीख मांगने ही लगा देंगे, जैसे हमारी माँ पे अधिकार जमाती थी ना, हम भी इस पे अधिकार जमाएंगे। और तू तो प्रेग्नेंट भी है। का बात करते हो सरदार जी, भीख कोई देना दे, कई चीजें लोग बिना मांगे दे जाते हैं अपना अधिकार समझ के। तूने पुलिस में शिकायत नहीं की इसकी? उस पुलिस वाले की तो देन है ये। सरदार जी नारी सम्मान की बातें तो सारी दुनिया करती है, पर बंद दरवाजे अंदर रोती नारी के अपमान के बारे में कोई नहीं बोलता। सब कुछ तूने होने कैसे दिया? कोई भीख नहीं मांगने देता था, कोई खड़ने नहीं देता था यहाँ पे, वो पुलिस वाला है ना, तो अपने वर्दी के अधिकार से जहाँ चाहे जिसको चाहे उसको वहाँ भीख मांगने देता था। बस उसने अपनी वर्दी का अधिकार इस्तेमाल किया और हमने अपना, अब तो जहाँ चाहूँ वहाँ खड़े होकर भीख मांग सकते हैं, जैसे यहाँ आपके सामने। बेटे देख मुझे एक बात बता, तू कब से भीख मांग रही है, कैसे इस धंधे में आई? वैसे तो कुछ याद नहीं है सरदार जी, पर 7-8 साल के थे हम, मैं और मेरी कुछ सहेलियाँ ना किसी के घर से कंजक होकर आ रहे थे, हम उस किनारे पे रुके, वो वहाँ उस किनारे के उधर ना हमारा घर है। हाँ। हम भीख नहीं मांग रहे थे किनारे पे खड़े होकर। हाँ। बस खड़े थे। हाँ। एक लंबी सी गाड़ी रुकी। हाँ। उसमें से एक सेठ उतरा, उसने
उसने सारी लड़कियों के हाथ में 10-10 का नोट दिया। जब हम हथेली आगे किए तो हमारी हथेली पे 100 का नोट रख दिए। हमें लगा जरूर कुछ खास होगा हमें, तभी तो 100 का नोट दिए। बस तब से ना उसी लालच में हम रोज आने लगे, रोज उसी चौराहे पे खड़ते थे। धीरे धीरे भीख मांगना भी सीख गए, अब तो कभी कभी जिद भी कर दिया करते हैं। पर तब से ना उसी सेठ का इंतजार कर रहे हैं, पर ना वो आया और ना उसने आना था। बेटी रोज कितना खवा लेती हो? देखो सरदार जी, 100 रुपए तो काफी टाइम से देखे नहीं, हाँ 20-30 तो कमा ही लेते हैं। और अगर वो पुलिस वाले हमारे साथ 2-3 घंटा बिता ले तो 40-50 तो हाथ आ ही जाते हैं। पर हम तो उस सेठ को ही ढूंढ रहे हैं जिसके 100 के नोट ने आज हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आप ढूंढ सकते हैं क्या सेठ को? चलिए छोड़िए, आप क्या ढूंढेंगे, आपके बीवी बच्चे खड़े इंतजार कर रहे हैं, जाइए आप। हाँ होते हैं ऐसे लोग, होते हैं जो अपने फर्ज के अलावा अपने हकों का ज्यादा बयान करते हैं। पर बेटी मेरे भी कुछ अधिकार हैं, और हाँ तुम्हारे भी। आज मैं अपने फर्ज निभाना चाहता हूँ और तुझे भी अपने फर्ज निभाने चाहिए, पर हम तुम्हारे साथ ये नहीं होने देंगे। चल तू अब से मेरे घर चलेगी, मेरे साथ, हमारे साथ रहेगी, ठीक है? तुम्हारे पास तेरे पेट में जो है उस पे तेरा ही अधिकार रहेगा, हम इस पे कभी अधिकार नहीं जमाएंगे। पर मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, अच्छा सिटीजन बनाऊंगा, इसके प्रति अपना फर्ज निभाऊंगा। आजा बेटे, हमारे साथ आजा।